नहीं नहीं आप समझ ही नहीं पाए, आप इतना करीब रहते हो सत्ता के बाद तब भी ये बात नहीं समझते हो। वहां मुख्यमंत्री नहीं है कोई, बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है। याद कीजिए गड्ढे के लिए क्या कहा गया था कि फलाना तारीख को गड्ढे खत्म हो जाएंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश के गड्ढे खत्म हो गए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिना मुख्यमंत्री वाली सरकार है। हमारे पांच साढ़े पांच गिनाते थे, अब इनके पास तो एक मुख्यमंत्री नहीं है, 300 विधायक नाराज बैठे हैं, बिना मुख्यमंत्री की सरकार है ये। ये काम हम लोग कभी नहीं करते, नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, विकास कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सोचते हैं जनता के सामने कैसे जाएंगे हम, इसलिए विधायक नाराज हैं। सरकार ने यही किया, काम ही नहीं किया, यही सबसे बड़ा काम है उनका। काम ही नहीं किया उन्होंने, यही सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में अगर आपको जानकारी हो, मैंने कई बार प्रेस में कहा, यहां पर हमारे पत्र भी रिकॉर्ड पर पड़े होंगे, कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक वाली सड़क बननी चाहिए, क्योंकि जितना खतरा हमें पाकिस्तान से है उससे कई गुना ज्यादा हमारा खतरा हमें चीन से है। और मैंने यहीं पर कहा कि कभी भी पाकिस्तान से आप लड़ोगे तो चीन उसके से भी लड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको कैंटोनमेंट जोड़ दें, मान लीजिए ग्वालियर कैंटोनमेंट जुड़ जाएगा, फतेहगढ़ जुड़ जाएगा, बरेली जुड़ जाएगा, रानीखेत, और कोई भी अगर आप मूवमेंट करना चाहोगे तो आपको आसानी होगी। बताइए लिप्पू लेक वाली सड़क फोर लेन सिक्स लेन नहीं कर पाए हम, सरकार में रहते हुए मांगते रहे। और फिर उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही बहुत सारा काम हो रहा है, आप बताइए इतना बड़ा काम होता है कानपुर में, क्या नहीं बन रहा वहां पर कानपुर में, बताइए आप क्या जरूरत है? आप उसी को इंसेंटिव्स दे करके, वहीं पे टेक्नोलॉजी दे करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब आपके आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आपके सबसे बड़ा ये डेरी का था, सब गाय हटा दी गई वहां से, भैंस जो भी था, डेरी हट गई कि नहीं हट गई? सरकार देख रही है कि डेरी हट जाएगी, जो डिफेंस की डेरी हट जाएगी तो यहां पर हमें रियल एस्टेट वैल्यू क्या मिलेगी, सरकार ये देख रही है। और जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे भी बना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कभी बुंदेलखंड गए नहीं थे, ना वो जानते थे उसके बारे में, गए झांसी, बोला कि यहां से एक्सप्रेस वे बनेगा दिल्ली तक, लेकिन दिल्ली का रास्ता क्या है? कम से कम बुंदेलखंड बनाया, और जिस शहर से सबसे ज्यादा चिढ़ते थे उसी एक्सप्रेस वे में और उसी शहर में जाकर के अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जोड़ दिया। बताओ हमें फायदा हुआ उससे कि नहीं हुआ? जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन करके जा रहा है वो बताइए इटावा में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? और असली खेल जो हुआ है वो आप भी नहीं जानते, आप हमसे एक्सपो पूछ रहे हो। होता ये है कि जब आप कॉरिडोर बना रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखिए आप, तो हमने कोशिश की कि उसके किनारे मंडी बनाएं, जिससे सहूलियत ये होगी कोई आएगा कोई ट्रांसपोर्ट हो जाएगी जल्दी से। तो इसके अलावा हमने मंडी बिल्कुल बगल में दी, और जो डिफेंस के लिए जमीन दे रहे हैं ये लोग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 40-40 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर दूर, जिस पे कोई रास्ता ही नहीं है पहुंचने का, कहीं जमीन ले ली कि यहां हम बनाएंगे। अरे जो सरकार कुछ ना कर पाई हो वो बम बनाएगी, मिसाइल बनाएगी, एयरक्राफ्ट बनाएगी, और फिर बताओ फ्रांस क्या देगा जब एयरक्राफ्ट हम ही बना लेंगे तब? रशिया क्या देगा जो 1,00,000 करोड़ दे दिए आपने? अमेरिका से बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये तो केवल ये है कि आपको धोखा दे दें, धोखा एक्सपो है वो। हम ये कहते हैं हर जिले में फौज की भर्ती कीजिए, आप क्यों नहीं करते? नौजवान जाना चाहता है, हम क्यों साइकिल चलाए नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए? आप हर जिले में फौज की भर्ती करिए, आप अगर 1,000 हो तो आप 2,000 भर्ती करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति दिए हैं, और वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी है। ये धोखा एक्सपो है, आप फोटो खिंचाइए लौट आइए।
और ये साल के अंत में हो रहा है, मतलब कि अब पॉलिसीज बनेगी, क्या बजट में रखा होगा, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ आया हो तो हमें बता दो। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की बनी है उत्तर प्रदेश की, उससे कितना इन्वेस्टमेंट आ गया ये बता दें हमें। भूल जाइए डिफेंस एक्सपो, और हम तो खुश होंगे अगर यहीं पर राफेल बनने लगे, लेकिन बताओगे कब? तो अच्छा होगा कि नींबू तोड़ के बने तो अच्छा होगा। नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं नहीं नहीं, वो डिफेंस जो कॉरिडोर बना है बुंदेलखंड वाला, हम तो कहते हैं जो एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनको क्यों नहीं आप इंसेंटिव दे रहे हो? आप इतने कई सौ एकड़ों में कानपुर में देखो कितना काम हो रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बीजेपी ध्यान हटा रही है, आप मत ध्यान हटाना, इसी तरह लोकतंत्र बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।